बढ़ते हैं कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा है कि जेजेपी का इस बार का स्थापना दिवस ऐतिहासिक रहेगा। उन्होंने झज्जर जिले को जननायक चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि बताया। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि पर आयोजित जनसरोकार दिवस रैली ऐतिहासिक हुई। उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जनता की ताकत को कानून बनाकर सबके सामने ला रहे हैं। अब वो दिन भी नहीं और वो दिन जो है वो दूर नहीं है जब बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए मिलेगी। और इस दौरान डॉक्टर अजय चौटाला ने गठबंधन सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। इस मौके पर कई युवा जेजेपी में शामिल हुए जिनका अजय चौटाला ने पार्टी का पटका पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं इस मौके पर आपको बताएं कि अजय चौटाला ने इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि इनेलो का जनाधार अब ना के बराबर रह गया है, जनता इनेलो के लोगों को पसंद नहीं करती। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि 10 महीने में पूरी तौर पे बंटाधार करने का काम किया। आपके सामने 23% वोट की संख्या घटकर के आ गई 1.5% वोट के, और वो 0.5% भी इलाहाबाद में लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कहने पे दे दिए, वरना तो पूरे हरियाणा प्रदेश में 1% वोट इनेलो को मिला, यानी नोटा से भी कम। ये हालात 10 महीने में हो गए। जिस पार्टी के लिए लोग कहते थे कि अगली सरकार इनेलो की बने, 20 विधायक थे, अपोजिशन के लीडर थे, वो संख्या घटकर के आ गई 1।